afternoon. How's it going? How are you doing? Hello. A class week and come back. You do what, sir? Taking classes. My university got me. You have a class here? Yes, sir. Just quick class and take and come back. Oh, okay, sir. Okay. Look at that. Look at that. Man on the job. आते ही सीधा class पढ़ा रहे हैं। इसे कहते हैं professor? क्या बात है? अपने फर्ज से आदमी को नहीं हिलना चाहिए. मेरा काम है पढ़ाई का, पढ़ाने का. वो मैं पहले करूंगा क्रिकेट के बारे में, उसके बाद आप पे आना. ठीक है जी. जी वेलकम एवरीवन. हेलो, जगराता चल रहा है ना? जय माता. अच्छा चलिए आपसे मैं पढ़ाई की बात करूँ. हेलो हेलो सर. कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करना होता टीचर को? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग है. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग है. अच्छा चलिए क्रिकेट की पढ़ाई शुरू करते हैं. बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं. ओके देखिए ये आप ध्यान से देखिए. पहले आपको दिखाई दे रहा है? जी सर. ये है बी फॉर बैट. पर सर ये तो बॉल है. खड़ी हो जाओ. आउट आउट. अपने टीचर से छुपा लड़ाती हो. हाँ तो इसे कहते हैं बी फॉर बॉल. लेकिन सर उस लड़की ने भी तो ये कहा था, फिर भी आपने उसे निकाल दिया. समझदार बन जाओ. आउट आउट. खड़ा हो जाओ. आउट आउट. क्लास खत्म. चलिए आप भी चलिए. यहाँ तो कुछ पढ़ाया नहीं अभी तो. तू चलो वहाँ बन के मुर्गा बनो. पनीर बनो. सॉरी पनीर बनो. लेकिन सर मुर्गा बनते हैं. मैं वेजिटेरियन हूँ. मैं कभी याद आया. ठीक है मैं यहाँ जाने के लिए कह रहा हूँ, तू वहाँ जा रहा है. अच्छा एग्जिट तरी दो. बहुत ज़्यादा पढ़ा पढ़ा के ना मेरा. ये किधर देख रहे हैं आप भाई साहब? इनकी आंखों में डेले नहीं है, वो काले काले वाले. हेलो हेलो प्रोफेसर एल बी डब्ल्यू. हेलो बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर. बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके. अच्छा जी. कितना मतलब बड़ा, कितना कितना बड़ा? सर मेरे ख्याल से क्वांटिफाई नहीं कर सकते. इतना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ रिस्पेक्टेड प्रोफेसर एल बी डब्ल्यू जी, एंड आई एम हियर टू मीट यू. क्रिकेट से प्यार, ये लव, ये इमोशन, नाम ही LBW, कहाँ से शुरुआत हुई? हमारे खानदान में ही क्रिकेट चलता. अच्छा है. अच्छा खानदान से ही है. मेरे फादर ने 1947 के मैच में अपनी जान दी थी. मतलब गली में खेल रहे थे जी, नदी में बॉल गई जी. नदी में बॉल गई तो वो फिर मगरमच्छ ने कैच कर ली. मगरमच्छ का क्या, बॉल पकड़ के ना दोबारा क्रिकेटर की तरह से उछाल देनी है. तो फिर वो चले गए. मेरे दादाजी, उनको तो क्रिकेट से बहुत प्यार था. अच्छा. हाँ क्रिकेट के पीछे पागल थे वो. ओके ओके. वो चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं. अच्छा चाहते थे ऐसा. हाँ. तो क्यों नहीं बने फिर आप? वो प्यार तो उनको हेमा मालिनी से भी था. इसका मतलब ये तो नहीं मैं धर्मेंद्र बन जाऊं. हाँ, बात तो सही है. हाँ. बात सही है सर. उनके पागल आदमी थे. जी जी. थे वो. उनकी बात नहीं सुननी. पर प्रोफेसर साहब आपकी बात हम सुनेंगे यहाँ पर. हम आपकी बात सुनेंगे यहाँ पर जब आप बैठेंगे. आपको पूरे देश में से चुना गया है इस मंच पे आने के लिए. प्रोफेसर LBW के लिए थोड़ी ताली बढ़ सकती है हमारे प्रोफेसर LBW के लिए जो यहाँ पर आए हैं हमारे साथ. ये तो शुक्र है मोबाइल फोन आ गया, इनकी उंगलियाँ बिजी हो गई. जी पहले तो नाक में उंगलियाँ कुछ नाक ऐसी कैसी कर रखी थी लोगों ने. उन्होंने खास तौर से नहीं, काफी लोगों ने. अच्छा काफी लोगों ने. अच्छा ठीक. ताली मारेंगे भी कैसे ना, इनके मोबाइल की स्क्रीन टूट जाएगी. लेकिन सर अभी जो शख्स यहाँ पर आने वाले हैं उनको देखकर तो तालियां बजेंगी. हाँ जी. क्योंकि ये एक ऐसे शख्स हैं, बहुत लोगों के हीरो हैं. मेरे तो ऑल टाइम हीरो हैं. आई ग्रू अप वॉचिंग हिम, द लेजेंड ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट. 1983 वर्ल्ड कप कोई नहीं भूल सकता. जहां पर ये आते हैं वहां पर बस शोर मच जाता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी प्राउड टू वेलकमिंग द लेजेंड हिमसेल्फ, Mr. Kapil Dev on our show. Jio Dhan Dhana Dhan, Jio Dhan Dhana Dhan, Jio 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 Dhana Dhan. There he is. कपिल जी, कपिल जी, हाँ, आज नहीं, आज नहीं, आज तो मैं आपसे सॉरी बोल के रहूँगा. ठीक है कपिल जी. Good to see you, sir. Great to see you, Kapil Baji. Welcome to the show. Welcome to the show. जोरदार ताली बजाइए फिर से कपिल देव के लिए यार. सर प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन सर. आइए बैठिए बैठिए. कपिल जी मुझे आपसे सॉरी बोलनी है. आपने जो 1983 का हमारे इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लेके आए उसके लिए पहले बहुत बहुत थैंक यू. बट जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने एक पारी खेली थी, 175 रन मारे थे आपने, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली कभी, वीडियो रिकॉर्डिंग. आई वॉन्ट टू कन्फेस उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा था, मैं कैमरे पे था. मैं बटन स्विच ऑन करना भूल गया था. आई एम सॉरी. मेरे को लेकिन मेरी आंखों में याद है, मेरे को अच्छे से याद है. थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. अब याद है तो बताइए फिर. वो दूसरी बातें करते हैं. आइए बैठे. ओके जैसे आप बोलो. आइए
यहाँ पर आ जाइए थोड़ा पास रहते हैं आप, ये कब सर इस पे आप अल्टीमेट स्टूल टेस्ट दे सकते जा सकते आप हाँ जी, ये घर नहीं लेके जा सकते आप, हाँ तो घर तो यहाँ लेके आ सकते हैं, घर सर अगले दो महीने के लिए घर यही रहेगा। ये मेरा इतना नीचे क्यों रखा हुआ है सर, आप ग्राउंडेड हैं। ओ शिफ्ट हो जाता है। हाँ जी शिफ्ट हो जाता है सर। अच्छा नीचे लीवर लगा हुआ है जी, आपका वेट ज्यादा है ना तो ऊपर नीचे। इस पे आपको सर स्टूल टेस्ट देना पड़ेगा अल्टीमेट जी। ऑन द शो बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आप एक्सपेक्टेशन से पहले टूर्नामेंट की बात करते हैं, 11वां सीजन कर रहे हैं आप, हाउ एक्साइटेड आर यू? पहले तो नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर, बहुत कम मौका मिलता है ऐसी जगह पर ऐसी स्टेज पर आकर, लेकिन अच्छा लगा। और प्रोफेसर साहब के साथ थोड़ा बहुत क्रिकेट की नॉलेज जब कम होती है तो कुछ लोगों के साथ मिलजुल कर अगर और मिल जाए करेक्ट करेक्ट तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे 11वां साल है, बड़ा अच्छा लगा। सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जो हर सीज़न एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि नए युवा जो हैं वो आ रहे हैं और किस तरह का टैलेंट लेके आ रहे हैं, बस ये आंखों में। जो कर चुके हैं उनका सबको मालूम है, लेकिन जो नए लड़के हैं क्या उनमें वो स्पार्क है, क्या उनमें वो जोश है, क्या उनमें वो एबिलिटी है, बस यही देखना सबसे बड़ी बात होती है। और इंटरेस्टिंग भी रहेगा सर, काफ़ी अदला बदली भी हुई है टीम्स के बीच में, नए खिलाड़ी आए हैं तो लॉट्स टू चीयर अबाउट। आर टीम दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी ज्वाइनिंग हैंड्स विद इंडियाज फाइनेस्ट टैलेंट, बहुत ही लंबा सफर है, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट समर। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, जब फेस्टिवल है तो पूरा आप पता नहीं कैसे दौर से निकल के आते हैं, इतने मुश्किल समय होता है तो थोड़ा समय जब मिलता है आपको खुश होने का तब पूरा होना चाहिए। वैसे भी प्रोफेसर साहब के साथ है, आपको क्रिकेट के बारे में क्या पता है? बस कभी घमंड नहीं किया, बाकी सब कुछ किया है कि काफ़ी कुछ क्लियर है जी। हाँ जी, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको, अगर देखिए आप हैं क्रिकेट लेजेंड, अब आपसे तो मैं बहस कर नहीं सकता, पर आप अगर चाहना चाहते हैं आप कुछ पूछना तो पूछिए। नहीं, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो क्रिकेट में होता है जी, वो बाउंड्री के बाहर जब छक्का नहीं, छक्का नहीं, छः रन जब हो जाते हैं, छक्का थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो सिर्फ छः रन ही क्यों होते हैं? हाँ जी, छः रन क्यों? अब मोटरसाइकिल तो दे नहीं सकते ना जी, तो छः रन ही दे देते हैं। क्या होता है कि अब अंपायर देता है जी, अंपायर बेचारा वो छः रन दे रहा है जिसके पास खुद कुर्सी नहीं है बैठने के लिए, तो वो छः रन दे रहा है, अब इससे ज़्यादा उम्मीद ना करो, इसे एक आदमी से दे रहा, छः भी बहुत है आदमी इसमें। ग्रेट 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 आंसर, वंडरफुल आंसर सर। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप इनसे? और कोई सवाल है जो आप पूछना चाहेंगे? आज के लिए इतना ही छोड़ दो काम। मेरे हिसाब से अगर आप पूछें भी क्रिकेट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, क्या जरूरी चीज़? बॉल, ये बॉल, बॉल, बॉल जी, आप बॉल, बॉल इज सेकेंडरी, सेकेंडरी, लेकिन ये बॉल किसी काम की नहीं। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ग्रेविटी। ओके, बिना ग्रेविटी की तो बॉल किसी काम की नहीं है ना। आदमी ने ऐसे शॉट मारा, बॉल ऊपर गया कि नीचे, ऐसा पकड़ के खड़ा हुआ हाथ जी, किस काम का? फिर सारा नहीं, नहीं, सारा सेटअप फेल है फिर तो ना, जब बॉल नीचे नहीं आई तो ना। तो सबसे जरूरी है ग्रेविटी, और वो एप्पल वाली बात, जो एप्पल जो गिरा था पेड़ से, वो ग्रेविटी वाली बात। इसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेविटी का जिसने कोच की थी हरीश ने, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। हरीश ने अपने कोच की थी ग्रेविटी की। अच्छा, हरीश ने की थी? हाँ जी, लोग कहते हैं कि न्यूटन ने की थी जी, न्यूटन बाद में आया था, वो उसका क्रेडिट ले गया, कोच हरीश ने की थी। हरीश अपना लड़का था इधर का, अपना इधर गाजियाबाद साइड का, वो गया था बैंगलोर, हाँ बैंगलोर साइड घूमने गया हुआ था, तो वहाँ पेड़ के नीचे बैठा था, नारियल के पेड़ के नीचे, ऊपर से ना नारियल गिरा उसके ऊपर, तो नारियल गिरा। हाँ। ग्रेविटी की खोज तो उसने कर ली, लेकिन वो बताने लग रहा नहीं, तो नारियल था भारी। अच्छा। तो न्यूटन के सिर पे वो सेब गिरा, क्रेडिट वो ले गया। हिडन जेम हरीश कहाँ है आजकल? हरीश अपना कुछ नई खोज कर रहा होगा। अच्छा, हाँ जी, खोजी है वो, खोजी है। बुलाएगा शो पे अगर फ्री होंगे हरीश, कहीं नहीं चाहते और भी चीजें सीख सकते हैं। बहुत हरीश को बुला लेंगे। आई थॉट आपने पहले बोला था कि जिस स्टेट में वो हॉस्पिटल में है। कौन जी? वो हमारे डॉक्टर गुलाटी थे, वो हॉस्पिटल में रह गए जी, वो इधर रह गए। लेकिन यहाँ पर कपिल भाजी आप के 8 बजे के बाद जब मैच शुरू भी होगा, उसके बाद हमारा एक प्रेडिक्टर है, बहुत ही बढ़िया सी गेम होंगे, यू लॉट्स ऑफ प्राइजेस टू विन। तो कपिल भाजी शुरुआत करते हैं यहीं पर आपसे सवाल पूछ के। एक सवाल है, कौन सी टीम IPL, कौन सी टीम इस शानदार टूर्नामेंट को जीत पाएगी एट द एंड? अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं तो कहूंगा कि मुझे कुछ मैच देखने का मौका मिला जाए। अगर टीम <अगर, laughs>
जी कहा आपने, बिना देखे आदमी कैसे बताएगा भी? क्या बात है? जीता है बिल्कुल सही। प्रेडिक्शन का तो वही मतलब है कि आगे देखना है कि क्या होने वाला नहीं, है। टूर्नामेंट जीतने के लिए थोड़ा बहुत आपको असेस करना पड़ता है। अभी जब टीम एक रिदम में आती है, पहले मैच खेलते हैं, एक दो तीन चार मैच होते हैं, तो आपको एहसास हो जाता है इस टीम में थोड़ा सा अच्छा ग्रिपिंग है। तो वो अभी बताऊंगा तो तुक्का होगा जी, और तुक्का क्रिकेट में चलता नहीं है, नहीं चलता। आखिर में एबिलिटी चलती है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा समय दे दीजिए, ये जो शो चल रहे हैं इसमें हम चर्चा करेंगे जी। और ज़रूर बताऊंगा आपको 5-7 मैचेस होने के बाद, सबके दो दो मैच भी देख लूँ तो आइडिया ले लेगा, तो मैं आपसे चर्चा ज़रूर करूँगा। मैं फाइनल के बारे में बता सकता हूँ, मैं दो टीमों में से एक टीम जीतेगी। फाइनल तक पहुँच गए आप? जो फाइनल में पहुँचेगी ना जी, उन दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी। देखिए सर कितनी गहरी बात कह रहे हैं, फैंटास्टिक, मजा आ गया सर, बहुत बहुत डीप थिंकिंग आदमी है, वेरी वेल डन सर। कबीर जी आप यहाँ पर आ गए हैं, ये यहाँ पर आ गए हैं, और ऐसे कई सारे और भी लोग हैं सर, ये क्या कर रहे हैं? मुझे कह सर आप, अच्छा नहीं मैं भी सोच रहा था पता नहीं क्या हो रहा है। आप एक उड़ान चिटकी दे रहे हैं, क्या क्या लिखा क्या इसके अंदर? प्लीज मेरी बीवी को बुला लो, पीछे तैयार होके खड़ी है। आपकी बीवी भी आई है, चाचा चाची भी आए हैं, अंकल आंटी भी आए हैं, पूरा घर आया आपका। चलिए बीवी को बुला लेते हैं आपकी। चलिए कहाँ है आपकी बीवी? गुगली सुनती हो? चुनू के पापा आ रही हूँ मैं। हेलो हाय चुन्नू के पापा। हमारा तो कोई बच्चा ही नहीं है, तुम चुन्नू के पापा, चुन्नू के पापा क्या कर रही हो तुम? अब आप हमेशा काम में ही रहोगे तो नाम से ही काम चलाना पड़ेगा ना। बीवी हूँ आपकी, वाइफ हूँ, वाइफ वाईफाई थोड़ी हूँ जो इंटरनेट से डाउनलोड करूँगी। सॉरी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया, ये वो है वो जो वो नहीं होती, अरे वो क्या बोलते हैं उसको जिसको हम बिना गलती के सॉरी बोलते हैं, वो जो सलमान खान के पास नहीं है, वो है ये वाइफ है मेरी। ओह ओके वाइफ, हाय हाय कपिल जी, कपिल जी डब्ल्यू। हेलो कपिल जी, आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं क्रिकेट की इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ कि घर के छोटे चौके पे ना मैं सिर्फ चौका चौका करती हूँ, लाइन से करवाती हूँ। अच्छा और बताओ, मैं बताऊँ मेरे ना शादी में ना साथ फिरे नहीं थे, नहीं मैंने ना 7 बार रनिंग द विकेट ग्रेट थिंकिंग लाइक हस्बैंड लाइक वाइफ, वंडरफुल पेयर मेड इन हेवन। ये देखो कितने का पड़ेगा सर? नीचे प्राइस टैग लगा था इसका, पर आपके लिए फ्री बना के दे सकते हैं। All right, fantastic. Wonderful. तो आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट के शौकीन हैं, उनके फैन, राइट? बहुत जी जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए इनसे भी मुलाकात होगी आपकी, इनकी वाइफ से जो यहाँ पर हमारे शो पर रहेंगी। चलिए अब मिलते हैं कुछ मेरे ऐसे जोड़ीदारों से जिनके साथ मैंने कई साल इंस्टॉलमेंट नमस्ते नमस्ते, हेलो जी, नमस्कार 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 प्रोफेसर साहब एंड समीर, इट्स गुड टू बी बैक, इज़न्ट इट? हाउ आर यू डूइंग शाइनी? आई एम डूइंग वेरी वेल, इट्स गुड टू सी यू अगेन, इट्स ग्रेट टू सी यू, फैबुलस टू बी हियर अगेन विद यू एंड अर्चना इन दिस वंडरफुल कास्ट। आपने क्या बोला? हियर, कैसे बोला? हियर हियर, ये आर कहां से निकलता है आपका? हियर हियर हियर, रोल द आर, हम लोग पूरा पूरा बोलते हैं हियर हियर here, कैसे? here, अच्छा, yes, घूम के आते हैं, टंग कैसे इस्तेमाल करते हैं इसमें? here में, here,
here. Puri aise dip jaati hai. हमने क्या इंग्लिश बड़ी मुश्किल से सीखी है जी जी पूरी पूरी बोलते हैं करेक्ट करेक्ट वेयर आर यू गोइंग गोइंग प्रोफेसर साहब आप हमें सिखा दीजिएगा कैसे बोलना है हमें तो आता ही नहीं है वैसे शिबानी की जो हिंदी भी है बहुत ही बढ़िया है एकदम अच्छा, इतना अच्छा हिंदी बोलती है कि मतलब सुन ले तो पंडित भी जाग जाते हैं मतलब इस लेवल ऑफ हिंदी जो है गाइस सिट डाउन प्लीज प्लीज बी सीटेड इधर से आई है वरना ऊपर से मैं सीढ़ी से ऊपर से आया जी आना नीचे से पड़ता है ऐसे करेक्ट करेक्ट प्रोफेसर साहब हम आपको कुछ कुछ चीजें सिखाएंगे और आप बाकी की चीजें हमें सिखा दीजिए बस सिखाना सीखना चलता ही रहेगा बस बिल्कुल बस बिल्कुल और जी हम आप सब हमें ग्राउंड पर तो देखते ही हैं लेकिन अभी हम एक नए प्लेटफॉर्म पर आए हैं और मजा आई की आवाज सुनाई दे रही थी बैक स्टेज एंड ऑफ कोर्स कपिल देव साहब सो आई थिंक इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन इजंट इट बड़ा अच्छा लगा आपको मिलकर कपिल पाजी गोना हैव यू हियर थ्रू आउट दिस एंटायर टूर्नामेंट तो यहाँ पर मिसिंग क्या है हमें मिसिंग क्या है कुछ और मिसिंग है डांस का है देयर इज नो डांस यू गॉट टू गेट डांस एंड चीयर ऑन टू दिस वेरी सेट सो वेलकमिंग वो ओ चीयरलीडर्स ओ क्या बात है चलो वेरी गुड माइक लगाला आते का सब गिर पड़ेगा Isabella! Annabella! Isabella! Annabella! Alright, dance! Come on, why are you shying? Either Tum Sharma Rai or the Rohit Sharma Hamko Dek Dek Sharma Sharma Ki Thak Rai. Annabella, wo Tum Ko Dek Ke Ishwara Nahi Kar Raha Tha. Then? Wo Samne Side Screen Ko Ishwara Kar Raha Tha, Aisa. Tumhe Kaise Pata? Ek Baar Na Hamko Aisa Laga Ke Empire Hamko Dek Ke Aisa Dil Banata Hai. Okay. बाद में हमको पता चला कि वो हमको नहीं बल्कि थर्ड एम्पायर को इशारा करते हैं। Oh, in your case that's true. But you know what? What? हमको तो प्लेस डायरेक्ट इशारा करता है, you know? उस दिन तो गेल हमको ड्रिंक पीने के लिए ऐसे इशारा कर रहा था। वो तुमको इशारा नहीं कर रहा था, बल्कि तुमसे अपने लिए दारू मंगवा रहा था। What? Yeah. ड्रिंक मंगवा रहा था? That's right. दो साल से बस ड्रिंक का इशारा कर कभी लेकर नहीं गया। Anyways, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आजकल तो मेरा न्यू क्रश है। कौन? Quentin D. Cock. Oh, D. Cock is peacock for date pe le jayega. Okay, okay. Then I think the one is the best. Which one? The one. Which one? The one. Which one? Shaker the one. Shaker the one. Yes. Wo jo sabka laptop todta hai. He's a really hottie. Yeah. But I'll tell you something. What? I'll never propose him. Why? Uska mooch hai. So? अगर किसी दिन गलती से हमने शेविंग नहीं किया हमारा मूंछ उसका मूंछ क्लैश करेगा देयर विल बी फ्रिक्शन आप लग सकता है राइट हियर है ना शी सिंगिंग मैं रो रहे हैं मेरे को लगता है इस डांस की वजह से मेरा हस्बैंड के साथ ब्रेकअप हो गया। ओह ओह, लेकिन ब्रेकअप तो बॉयफ्रेंड के साथ होता है, राइट? बॉयफ्रेंड तो अच्छा है, उसके साथ ब्रेकअप क्यों होएगे? इसका मतलब तुम्हारा शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड शादी के पहले से है। तो उससे शादी क्यों नहीं किया? बॉयफ्रेंड शादीशुदा था, उसके साथ शादीशुदा कैसे करते मैं? तुम दिमाग से पैदल है? कुछ भी बोलते तुम। What? I can't believe this. What? We are standing in front of the legend. Oh, thank you. Tum kaun se angle se legend hai? There? See there. Oh my God. The most talented Kapil Dev sir. Acha. You should be grateful, you know. Yeah. Acha luck. Acha luck ke hum log inka era mein nahi aaya. Why? The way he used to hit sixes. Yes. इतना छक्का मारता था नाच नाच के हम लोग मर जाता ओह यू आर राइट यू नो व्हाट मेरा मन कर रहा है मैं कपिल सर से एक सवाल पूछूं क्रिकेट के बारे में प्लीज प्लीज वहां जाके पूछते ओके या एक मिनट टेक द पॉम पॉम ओके अपना हथियार लेके चलो हाय हाय सर हेलो सर वो स्कर्ट आप उछल रही है ओके आज शाम को आप क्या कर रहे हैं Isabella. What, Annabella? ये क्रिकेटिंग सवाल कहाँ से हुआ है? अरे इतने बड़े क्रिकेटर से सवाल पूछ रहा तो क्रिकेट का ही सवाल हुआ ना? It's obvious. आज शाम को टीम मीटिंग है. आपको इनवाइट किया है. Oh my God, I can't believe this. जब आप और मैं साथ में चलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? What a match! What a match! ये बात. I'm so glad.
देखो ओह माय गॉड इन दोनों को देखो गांव बसा नहीं नुचेरे आ गए वांसे कैन हेल्प मी बी सो स्वीट शी इज सो नाइस पहले दिन ही निकलना शुरू She's a girl. Yeah, गांव बसा नहीं नुचेरे आ गए मैंने तुमको बोला था टाइम पे पहुंचो वरना चीयरलीडर्स हमसे पहले पहुंच जाएंगे टाइम पे क्या करूं तुमको मालूम है हमको असेंबल होने में टाइम लगता है अब क्या करेंगे ये तो दोनों ऑलरेडी पहुंच चुके हैं हमें कौन काम देगा ओह एक्सक्यूज मी डोंट गिव अप सो इजीली देन देयर शुड बी अ कॉम्पिटिशन रियली या बट वो तो पहले ही हमसे अच्छे हैं लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनका पिंक ड्रेस बेटर है कि मेरा आई थिंक आपका हमारा ओह शिवानी आई लव यू आपका ड्रेस बेटर है हमारा बेटर आप जीत गए कंपटीशन नहीं नहीं ऐसा नहीं जनता जनार्दन डिसाइड करेगा आप बेटर कि हम बेटर या जनता जनार्दन देखना चाहते धन धना धन हां ओके वो ना अगर कुछ नहीं बोले समझो हां है उनका ओके ओके